ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ। आपने देखा होगा यूपी के अंदर दंगा होना, दंगा ही या तो जेल के अंदर है या जहन्नुम की यात्रा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज तगड़ा, यूपी पुलिस चला रही ऑपरेशन लंगड़ा। यह ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों के खिलाफ है। इस ऑपरेशन लंगड़ा में या तो अपराधी यमलोक जाता है या फिर लंगड़ाते हुए गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगता है। ऑपरेशन लंगड़ा केस नंबर 1, लोकेशन मुजफ्फरनगर यूपी। ये तो आज के पहले इंतजार कर रहे थे, ऐसे कोई भी नहीं कर रहा। तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है, हर बार एक बच्चे। अरे मार दे जाए तो मानोगे? मुझे मार। ऑपरेशन लंगड़ा केस नंबर 2, लोकेशन कानपुर। अब ऐसी गलती मत करना, चलो ठीक है, चल भी बच के। ऑपरेशन लंगड़ा केस नंबर 3, लोकेशन उन्नाव यूपी। ये 3 केस तो बस बानगी है। तकरीबन हर रोज उत्तर प्रदेश में पुलिस ऐसे एक्शन को अंजाम दे रही है। पुलिस की भाषा में ये मुठभेड़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे नया मोड़ दिया है, हाफ एनकाउंटर। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर। अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले एनकाउंटर को सबसे पहले हाफ एनकाउंटर कहा। अखिलेश के इस हाफ एनकाउंटर के आरोप को यूपीएसटीएफ के चीफ ने फुल डिटेल के साथ समझाया। यूपीएसटीएफ के चीफ ने क्या जवाब दिया इसे हम आगे बताएंगे। उससे पहले अखिलेश इस बार पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या पलटवार किया उसे सुनिए। जो अपराधियों का बाकी होगा, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो उसको दर्द होगा। अखिलेश यादव अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई होती है तो बुलबुलाए उठे। मैं उनसे चाहूंगा कि अपराधियों के खिलाफ उनके बुलबुलाने से कार्रवाई नहीं रुकेगी, जो दोषी होगा कानून के हिसाब से उसको दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। यही वजह है कि जो यूपी में हर दिन किसी न किसी के एनकाउंटर की खबर आती है। एनकाउंटर, 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 ताबड़तोड़ एनकाउंटर, चारों ओर एनकाउंटर। अपराधियों के खिलाफ एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब सीधे ठोकों पर विश्वास कर रही है। सबसे ताजा एनकाउंटर ग्रेटर नोएडा में हुआ। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर इलाके में पुलिस और शातिर वाहन चोर के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश लंबे वक्त से गाड़ियों की चोरी को अंजाम दे रहा था। पुलिस बादलपुर गांव के गेट के सामने वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार एक संदिग्ध लाल कुआ की तरफ से आता हुआ नजर आया। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश ने बाइक घुमाकर भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया और बदमाश कच्चे रास्ते की तरफ भागा, जिससे बदमाश मोटरसाइकिल लेकर गिर गया। पुलिस के मुताबिक खुद को गिरता देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। जख्मी बदमाश की पहचान गुलजार उर्फ मामा के रूप में हुई है, जो कि मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला है। यूपी के मुजफ्फरनगर के ही इस दूसरे आरोपी का हाल देखिए। आज के पहले इंतजार कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा। तुम्हारे खिलाफ कितने मुकदमे पता है, हर बार एक बच्चे। अरे मार दो जाए तो मानोगे? मुझे माफ। अखिलेश यादव के शब्दों में कहें तो समरेज नाम के इस अपराधी का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर किया। समरेज पर गौकशी का आरोप है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने इस मुठभेड़ को रात के अंधेरे में अंजाम दिया। गौकशी के इस आरोपी के दोनों पैर में गोली लगी तो वो हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगता नजर आया, साथ ही साथ अपराध नहीं करने की कस्में खाई। योगी के राज में अपराधियों के बीच में एनकाउंटर का खौफ किस कदर फैला हुआ है, इसे हाल में हुए मुठभेड़ों से समझ सकते हैं। शामली में 50,000 का इनामी बदमाश जिंदा पकड़ा गया।
कुशीनगर में 25,000 के इनामी मुस्तकीम को नकली नोटों के फर्जीवाड़े में एनकाउंटर के बाद धर लिया। गाजियाबाद में पकड़े गए वसीम और कबीर की लूटपाट की घटनाओं को लेकर लंबे टाइम से तलाशी थी। फतेहपुर में लुटेरों के पैर में पुलिस ने गोली मारी और फिर अस्पताल पहुंचाया। वहीं आजमगढ़ में गौकशी के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। यूपी की पुलिस इसे एनकाउंटर कहती है, यूपी के सीएम इसे किए का खामियाजा भुगतना कहते हैं, यूपी के डिप्टी सीएम इसे गिड़गिड़ाने से कार्रवाई नहीं रुकने का मिशन कहते हैं, जबकि अखिलेश यादव ऐसी मुठभेड़ को या तो हाफ एनकाउंटर करार देते हैं या फिर फर्जी एनकाउंटर। बड़े पैमाने पर टांग में गोली लगी है या हाथ में गोली लगी है, इसका नाम दिया है हाफ एनकाउंटर या टांग पे गोली वाला एनकाउंटर। ये जितने भी टांग पर गोली वाले एनकाउंटर हैं, हाफ एनकाउंटर ऐसा एनकाउंटर जिसमें आरोपित को यमलोक नहीं भेजा जाता, ऐसे एनकाउंटर में उसे जख्मी किया जाता है। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि एनकाउंटर फेक है, लेकिन यूपी पुलिस का दावा है कि एनकाउंटर के पीछे पुलिस का इरादा नेक है। एसटीएफ का कार्य बड़े माफिया गैंग्स को नेस्तनाबूद करना, एंटी डकैती ऑपरेशंस करना, एंटी नारकोटिक्स, एंटी किडनैपिंग ऑपरेशंस करना, इसके अलावा संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्य करना रहा है। और 1998 में जब से एसटीएफ का सृजन हुआ है, तब से लगातार एसटीएफ ये काम करती आ रही है। अभी पिछले कुछ वर्षों में एसटीएफ ने अपनी टैक्टिक्स में, अपनी स्ट्रैटेजी में सुधार किया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। यूपी में उन्नाव के बांगरमऊ में डकैत हार्डवेयर कारोबारी के 10 लाख का माल उड़ा ले गए। 24 घंटे के अंदर आरोपियों संग पुलिस की मुठभेड़ हुई, पुलिस ने बदमाशों को दौड़ाकर पकड़ा। अखिलेश यादव की भाषा में कहें तो पुलिस ने दोनों आरोपियों अंशु और अभिषेक का हाफ एनकाउंटर किया। यूपी के अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाली शाहबाज और फैसल का पुलिस ने एनकाउंटर किया। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी, आरोपियों ने छात्रा का दुपट्टा खींचा था जिससे वो हादसे का शिकार हो गई और उसकी मौत हो गई थी। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने एनकाउंटर कर आरोपियों को पकड़ा। यूपी गाजियाबाद में 10 साल की मासूम से रेप करने वाले निजाम को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। सीन रिक्रिएशन के लिए मौके पर लाया गया था, तभी आरोपित पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लग गई, लेकिन अखिलेश यादव इसे भी हाफ एनकाउंटर का ही नाम देंगे। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, अखिलेश की पार्टी के सांसद भी इसी लाइन पर बयान दे रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर घर से ले जाइए, पकड़ के गोली मार दीजिए, क्यों का गोड़ में मार दीजिए, क्यों का छाती पे मार दीजिए, क्यों का कपार में मार दीजिए। ये अपराधियों के हौसलों को मिट्टी में मिलाने का योगी का अपना ही स्टाइल है। इसे लेकर जब भी यूपी और यूपी के बाहर उनकी तारीफ होती है तो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के नेता अलग ही नैरेटिव लेकर सामने आ जाते हैं। जबकि यूपी पुलिस का दावा है कि पुलिस जब भी गोली चलाती है तो सारा फोकस अपराधी को पकड़ने पर रहता है, उसे सरेंडर का मौका दिया जाता है, हथियार फेंकने की चेतावनी दी जाती है, मगर जब वो नहीं मानता तो फिर जरूरत के मुताबिक एक्शन लिया जाता है। 20 मार्च 2017 से 5 सितंबर 2024 तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी पुलिस ने 12,964 एनकाउंटर किए, जिसमें 27,117 आरोपित गिरफ्तार किए गए और 207 मारे गए। इन एनकाउंटर्स में 1,601 पुलिसकर्मी घायल हुए और 17 वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे में बड़ा सवाल है, अगर ये एनकाउंटर फर्जी होते तो क्या पुलिसकर्मियों की मौत और जख्मी खाकी वालों का आंकड़ा इतना ज्यादा होता? इसे समाजवादी पार्टी नजरअंदाज कर रही है और योगी की इमेज पर सवाल उठा रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के फैसलों पर ऐसे आरोपों से कोई असर नहीं पड़ता। योगी का प्रण अटल है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को सही ट्रैक पर रखना है और इसके लिए योगी सरकार ने पुलिस के लिए एक लक्ष्मण रेखा भी खींच रखी है, जिसके हद में रहते हुए पुलिस अपराधी की ना तो जाति देखती है न ही धर्म। एनकाउंटर सही है या गलत, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच बैठाई जाती है। मजिस्ट्रेट जांच में जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे शासन को भेजा जाता है। याद कीजिए कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर को, जिसमें खूब हो हल्ला मचाया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित की गई जांच रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। यहाँ तक कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को भी जांच आयोग की टीम ने पूरी तरीके से क्लीन चिट दी। बावजूद इसके अखिलेश रोज आरोप लगाते हैं, पुलिस मुठभेड़ में मारा गया बदमाश किस जाति का था,
इन दिनों हर एनकाउंटर के बाद पुलिस को इसी सवाल का सामना करना पड़ता है। पक्ष विपक्ष के बीच कानून व्यवस्था को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग भी तेज है और इसी जंग के बीच पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा पुलिस पीठ पर जारी है। वाराणसी से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।